हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्यूटी स्टूडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ वैलेंटाइन डे मेकअप लुक। जो भी वैलेंटाइन डे में जाने वाले हैं, पार्टी में जाने वाले हैं, किसी से मिलने जाने वाले हैं, हस्बैंड के साथ बाहर जाने वाले हैं या बीएफ के साथ बाहर जाने वाले हैं, जिसके साथ भी आप जाने वाले हो, तो आप ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है और बहुत ही ईजी सा मेकअप है। और अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा हो, ये मैंने यहाँ पे किया है क्रिम्पिंग, तो इसका वीडियो मैं जल्द डालने वाली हूँ कि इसको कैसे आप कर सकते हो खुद से अपने घर पर। तो वीडियो को आगे वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी मेरे सारे वीडियो आप देख पाओगे। तो अगर आप मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हो तो अभी कभी कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना आईब्रो फिल कर लूँगी। ये एट्यूड का ब्रो पेंसिल है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए। बिगनर के लिए तो बहुत बेस्ट है। जो भी बिगनर फ्रेंड है वो ये यूज़ करके देखिए। जिसको प्रॉब्लम होती है कि ब्रो फील कैसे करते, इससे आप बहुत इजीली फील कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा भी ऐसा ब्लैकिश नहीं है, डार्क ब्राउन शेड है। जब भी आप बिगनर फ्रेंड है वो डार्क ब्राउन शेड ही लीजिए। ब्लैक में कैसा होता है ना, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा दिखने लग जाता है, एक्स्ट्रा डार्क वो बहुत ओवरलुक देता था। तो आप कभी भी यूज़ कीजिए तो डार्क ब्राउन यूज़ कीजिए, इससे बहुत ही नेचुरल लुक आता है हमारे आईब्रोज़ का। आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल लुक आ रहा है। किसको अगर आप डेली यूज़ में भी यूज़ करते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। स्कूपी की हेल्प लेते हुए उसको अच्छे से कॉम कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा आईब्रो लग गए होंगे वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर मैं लूँगी अपना फेशियल सीरम ऑयल। ये देखिए जो गोल्ड फेशियल सीरम है, जो हमेशा यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसको अपने फेस पे लगा के अच्छे से मसाज कर लूँगी एक मिनट के लिए। मसाज करने से क्या, हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और जो ब्लेंडिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। अभी मैं अपने लिप पे लिप बाम लगा लूँगी। लिप बाम लगाना बिल्कुल मत भूलिए, मेकअप के पहले लिप बाम ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब हम लास्ट में लिपस्टिक लगाते हैं तब तक हमारे लिप्स के जो भी ड्राइनेस रहते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने मैक का प्राइमर लगा लिया है, जेल प्राइमर है ये। ये देखिए पूरे फेस पे मैंने डॉट डॉट करके लगा लिया है। अभी इसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने हाथों की हेल्प लेते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमर ज़रूर लगाइए फाउंडेशन या बेस के पहले, उससे हमारा बेस अच्छे से ब्लेंड होता है और हमारे स्किन में भी कोई साइड इफ़ेक्ट होने से बचाता है, क्योंकि वो एक लेयर बन जाता है प्राइमर का। डायरेक्ट स्किन पे हम यूज़ नहीं करते कोई भी मेकअप प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने ले लिया है मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, उसको मैंने अपने पूरे फेस पे डॉट 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 करके लगा लिया है। अभी मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट होना बहुत ज़रूरी है, ड्राई ब्लेंडर से बिल्कुल भी ब्लेंड मत कीजिए, क्योंकि ड्राई ब्लेंडर बहुत ही ड्राई होता है और हमारे स्किन पे भी वो बहुत ऐसा होता है ना, घिसते हैं वैसा फील होता है। और जो भी हमारा बेस फाउंडेशन होता है वो आधा अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। वेट करने से क्या होता है कि हमारा जो मेकअप प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट भी नहीं होता और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप ब्लेंडर यूज़ कीजिए उसको वेट करके ही यूज़ कीजिए, ड्राई ब्लेंडर बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ पर नोज़ के कॉर्नर में फ्रेंड ज़रूर लगाइए। हमेशा क्या होता है कि नोज़ के कॉर्नर रह जाते हैं और वो बहुत ही डिफरेंट कलर दिखता है स्किन का और नोज़ का कॉर्नर, इसलिए कभी भी नोज़ का कॉर्नर अच्छे से कवर करो। अभी यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया है, ये कवर गर्ल का है, स्टिक कंसीलर है। ये देखिए ये कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपको कोई और भी वीडियो देखना है, कोई और मेकअप लुक देखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपके लिए वो मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैंने कॉन्टूरिंग भी कर ली, हल्की सी वैलेंटाइन का मेकअप है तो थोड़ा स्पेशल दिखना चाहिए, तो सब कुछ परफेक्ट रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, हमने जो कंसीलर और कॉन्टूरिंग किया है उसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग मैंने पहले भी बोला है कि मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप बाद में उसको फिंगर से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। फिंगर से टैप टैप करेंगे लास्ट में तो भी जो बचे कुछ ब्लेंडिंग होंगे वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से कर लिया है ब्लेंड, और मेरे डार्क सर्कल एक्ने मार्क जो भी है वो सब हाइड हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेस कितना क्लियर दिख रहा है मेरा।
कोई भी दाग नहीं दिख रहे मेरे फेस पे, क्योंकि ब्लेंडिंग हम मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो फ्रेंड, अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, कितना भी अच्छा फाउंडेशन लगा लोगे, कितना भी अच्छा कंसीलर लगा लोगे, तो भी वो लुक नहीं आता है। अगर ब्लेंडिंग अच्छा रहेगा तो बहुत ही परफेक्ट लुक आता है। यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है क्रायलॉन का, उससे अपना जो बेस है उसको सेट कर लिया है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डैब डैब करके लगा रही हूँ यहाँ पे लूज़ पाउडर। इससे क्या होगा, हमारा फाउंडेशन कंसीलर अच्छे से सेट होगा, कोई भी क्रीज लाइन नहीं आएगी। अब आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे आई शेडो नहीं यूज़ करके, जो मेरा ब्लशर है उसी को मैं आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही नेचुरल लुक देना है। वैलेंटाइन मेकअप है ये, कोई शादी का मेकअप है नहीं, इसलिए मुझे बहुत हैवी लुक नहीं देते हुए भी सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, वैसा लगना चाहिए, है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने ब्लशर से ही आई शेडो अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एकदम नेचुरल लुक होता है ना, वैसा नेचुरल लुक आ रहा है। अभी मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर लेके अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है। लाइट गोल्ड कलर है ये देखिए। मैंने यहाँ पे कोई आई शेडो पैलेट यूज़ नहीं किया है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आई शेडो पैलेट यूज़ करना है। आई शेडो के लिए आई शेडो आप लिपस्टिक से भी यूज़ कर सकते हो, ब्लशर से यूज़ कर सकते हो, तो और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो कभी कभी कुछ नया ट्राई कर लेना चाहिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं स्केच आई लाइनर यूज़ करूँगी जो लैक्मे का है। अब देखिए फ्रेंड, स्केच लाइनर भी बिगनर के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ईजली लग जाता है और बहुत फटाफट ड्राई भी हो जाता है। लिक्विड में क्या होता है, जो बिगनर फ्रेंड होते हैं उस थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है, उसको ड्राई करते बैठते में बहुत टाइम जाता है। तो जो अगर बिगनर हो, आप सीख रहे हो, तो आप स्केच लाइनर यूज़ कीजिए। बिगनर नहीं है तो भी स्केच लाइनर फटाफट लग जाता है। यहाँ पर मैंने वाइट काजल अप्लाई किया है, आप देखिए। आपको पता है वैसे, अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखते होगे तो मुझे वाइट काजल बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी मैक का मस्कारा, ये देखिए। मैंने लैसेस भी लगाया है, लैसेस के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि लैसेस कैसे लगाते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो मेरे चैनल में आप जाके देख लो, आपको फटाफट सीख जाओगे। और मैंने यहाँ पे ब्लशर लगा लिया। अब मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर लगाऊंगी। अभी मुझे जहाँ जहाँ हाइलाइट चाहिए मैं वहाँ वहाँ उसको अप्लाई करके बाद में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं यहाँ पे। और ये जो वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड हाइलाइटर है ये भी बहुत अच्छा है, यह मैंने लिया था पर्पल से लिया था मैंने। आप भी वहाँ से ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। पर्पल नायका हर जगह अप्लाई है, अवेलेबल है, सॉरी अप्लाई नहीं है, अवेलेबल है। अभी मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ब्रश की हेल्प लेते हुए, ये देखिए। और ये बहुत नेचुरल लुक देता है। वैसे अगर आप कोई भी फाउंडेशन बेस भी लगाते हो और उसमें ये लिक्विड वाला हाइलाइटर ना जस्ट वन या टू ड्रॉप अगर आप डाल लेते हो ना, अगर नाइट पार्टी में जा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा फेस का लुक देता है, बहुत अच्छा ग्लो करता है फेस हमारा। और यहाँ पे मैंने लगा लिया रेड लिपस्टिक, क्योंकि वैलेंटाइन है तो यहाँ पे तो रेड लिपस्टिक ही चाहिए। आप देख सकते हो मैंने रेड टॉप भी पहना हुआ है। अगर आपको वैलेंटाइन के लिए रेडी होना है तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ट्राई करके अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा। और यहाँ पे अब मैं कर लूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट। स्प्रे कर लिया है मैंने फेस पे, अब ऑलमोस्ट मेरा पूरा मेकअप हो गया है, आप देख सकते हो बहुत ही फटाफट मेकअप हुआ है मेरा। आप चाहो तो ऐसे एक पोनी करके हेयरबैंड भी लगा के रख सकते हो, या फिर आप उसको अच्छे से नॉट्स निकाल के साइड पार्टीशन करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक रिंग पहन ली है, एयररिंग्स बड़े बड़े, ये देखिए। ये आप ऐसे हेयर भी ओपन रख सकते हो, या फिर एक ऐसा हेयरबैंड भी लगा सकते हो सीक्वेंस के, बहुत प्यारा लगता है ये भी। ये देखिए मेरा फाइनल लुक, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। अगर आप वैलेंटाइन डे पे बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी पे जा रहे हो हस्बैंड के साथ या जिसके साथ भी आप बाहर जा रहे हो, तो ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सिंपल सा लुक देता है, बहुत हैवी लुक नहीं है। आपने देखा है मैंने कैसे आई शेडो को ब्लशर से अप्लाई किया है, ओनली ब्लशर से मैंने आई शेडो अप्लाई किया है, यहाँ पर मैंने कोई आई शेडो अप्लाई नहीं किया है। और बहुत ही नेचुरल आई, देखिए आई मेकअप लग रहा है, बहुत ऐसा डार्क डार्क मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो।
और ये जो मेरा हेयर स्टाइल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने क्रिम्पिंग किया है, इसका वीडियो भी मैं जल्द अपने चैनल में डालने वाली हूँ। वो वीडियो देखने के लिए कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इससे कैसे बहुत अच्छी वॉल्यूम आती है। अगर आप बहुत ही चिपकू चिपकू हेयर है और बहुत थिन हेयर है आपके, और आपको ऐसा लग रहा है आपको हेयर ओपन करना है बट बहुत चिपकू लग रहा है, तो आप ये क्रिम्पिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो इससे कितनी अच्छी वॉल्यूम आ जाती है, इंस्टेंट वॉल्यूम आती है। इनफैक्ट जो ब्राइडल मेकअप में हेयर स्टाइल होती है, ब्राइडल हेयर स्टाइल होती है, उनके लिए भी हम ये क्रिम्पिंग यूज़ करते ही फिर हेयर स्टाइल करते हैं। इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है और हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है। तो वो वीडियो मिस मत करना, मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ क्रिम्पिंग का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कुछ जो भी देखना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं ज़रूर वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। बाय।